Hello viewers, my name is Avantika Sharma, your math tutor. Let's proceed to our today's topic, that is the question number 6 of exercise 3.5. What is the question? Find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime factors. Then सबसे पहले हमें क्या करना है? 1729 के prime factors निकालने हैं. After that, उनको हमें ascending order में arrange करना है. फिर two consecutive prime factor के बीच में भी कुछ relation है, वो हमें बताना होगा. Then सबसे पहले हम start करेंगे prime factor निकालने से. जैसे सबसे पहले smallest factor क्या होगा इसका, जैसे कि इसके वंस में ऑड नंबर है, देन 2 नहीं होगा, 3 चेक करते हैं, देन 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 1 19, 19 3 की टेबल में नहीं आता, देन 3 भी नहीं होगा, 4 ऑड नंबर है, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा क्योंकि 0 एंड 5 नहीं है, देन 6 2 एंड 3 से डिविजिबल नहीं है, देन 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 7 से ट्राई करते हैं, 7 2 जा 14, remaining 3 रहेगा, 32 नंबर बनेगा, 7, 4 जा, 28, remaining 4 रहेगा, 7 जा, 49, अगेन हम 7 से देखते हैं, 7, 3 जा, 21, remaining 3 रहेगा, 37, क्योंकि 7 की टेबल में नहीं आता, then next number 8 नहीं होगा, क्योंकि और नंबर है, then 9, 9, 2 जा, 18, remaining 6 रहेगा, 67, जो कि 9 की टेबल में नहीं आता, then next one 9 के बाद में 10 0 नहीं है, then 10 भी नहीं होगा, 11 2 जा 22, remaining 2 रहा, 27 बना जो कि 11 की टेबल में नहीं आता, 12 से नहीं हुआ क्योंकि वंस में ऑड नंबर है, then next is 13 से देखते हैं ये डिविजिबल होगा, then 13 1 जा 13, remaining क्या रहेगा 11, and next number बनेगा 117, 13 9 जा 117, and 19 क्या है, एक prime number, then ये 19 से ही divisible होगा, 19 1 जा 19, अब बस 1 मिल गया, हमें हमारे सभी prime factors मिल गए, अब हम इनको ascending order में, जो कि ये already है ascending order में, वैसे arrange करके लिखेंगे, 7 multiply by 13 multiply by 19, अब हमें इसमें क्या देखना है, जैसे कि बोला गया है टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स में हमें को रिलेशन है इनके बीच में, देन वो देखना है, अब कंसेक्यूटिव एक के बाद दूसरे आने वाले यही है, देन कंसेक्यूटिव ही है, इनमें रिलेशन क्या हो सकता है, जैसे कि नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो इस नंबर में ऐसा क्या प्लस हो रहा है कि नेक्स्ट नंबर बन रहा है, इस तरीके से चेक कर सकते हैं, देन 7 में क्या प्लस करेंगे कि 13 मिल जाए, 6 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13, ओके मान लिया, 13 में भी 6 करने से 19 मिल रहा है, यस 13 में यदि हम 6 प्लस करेंगे देन 19 मिल रहा है, इसमें क्या रिलेशन है इन नंबर्स के बीच में कि इनमें यदि एक फैक्टर में हम प्लस 6 कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट फैक्टर मिल रहा है, 7 में 6 प्लस किया नेक्स्ट फैक्टर, 13 में 6 प्लस किया देन नेक्स्ट फैक्टर मिल रहा है, यही इनके बीच में रिलेशन है, ओके बेटा लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक.